Hello students, myself Dr. Amit Bajpai and I am the chemistry faculty. Actually students, इस बार मुझे लगता है कि आप लोग बहुत optimistic हो गए अपने NEET के exam को लेके, जो आपका exam हो चुका है और आपको लगता है कि आपका paper बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि paper काफ़ी easy था और मुझे लगता है कि कहीं से भी कहीं तक जो NCERT है उससे बाहर के questions नहीं थे, सब कुछ NCERT के अंदर का था. डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम, जैसा मैंने एक पेपर की केमिस्ट्री के पेपर के एक एनालिसिस की है उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले हैं. आप जरा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल में टोटल 45 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे उसमें 28 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ईजी थे. अगर आप देखोगे पेपर को, अभी मैं सॉल्व कराऊँगा, कुछ एक क्वेश्चन मीडियम थे लगभग 16 के आसपास और एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट माना जा सकता है. अगर मैं बात करूं 11th और 12th दोनों पोर्शन से, बेटा उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चंस को पिक किया था, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने दोनों साल 11th और 12th दोनों साल ढंग से पढ़ाई की है तो आई थिंक 12th का और जो बच्चा है वो बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को बीट कर सकता है और बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेगा. क्योंकि जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया है कि फिजिक्स का पेपर भी, फिजिक्स फैकल्टी से मेरा डिस्कशन हुआ है, फिजिक्स का पेपर भी काफ़ी इजी था, जो कि कई बार थोड़ा सा टफ होने की वजह से मेरिट जो है वो या कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन इस बार कट ऑफ के ऊपर जाने की संभावना है और आई थिंक 580 मार्क्स तक जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेन किया होगा वो एक्सपेक्टेड है कि वो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज को गेन करेंगे. अच्छा, बात करते हैं 11th की. तो मैंने आपसे कहा कि 11th और 12th से देखिए लगभग ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चंस लिए हैं. लगभग 23 क्वेश्चंस उन्होंने 11th से लिए हैं जो 92 मार्क्स के हैं, 22 क्वेश्चंस उन्होंने 12th से लिए हैं 88 मार्क्स के हैं. टोटल 45 क्वेश्चंस और 180 मार्क्स का ये टोटल केमिस्ट्री का आपका पेपर है. क्वेश्चंस की बात करते हैं. पहला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो एंट्रोपी पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें ये सवाल है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज निगेटिव. सवाल यहाँ पर यह है कि एंट्रोपी निगेटिव किसकी होगी. तो आपको पता है बच्चों कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस. जैसे जैसे गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड से कम होते जाएंगे और गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली एंट्रोपी या रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी. और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव. क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी इज एंट्रोपी ऑफ फाइनल या एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. अगर रैंडमनेस कम हो रही होगी या ऑर्डरनेस बढ़ रही होगी, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल कम हो रहे होंगे, तो बच्चों एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही होगी, निगेटिव हो रही होगी, क्योंकि एंट्रोपी घट रही है. जैसे मैं बात करूँ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, तो डेफिनेटली सॉलिड से अगर गैस की तरफ बढ़ रहा है तो सॉलिड में रैंडमनेस सबसे कम है, क्योंकि ऑर्डर्ड है, सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, फिक्स्ड हैं एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के द्वारा. लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी. इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, इसमें पॉजिटिव हो जाएगी. इसलिए चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. आप इस सेकंड आंसर को देखिए और बहुत आसानी से आप पिक कर सकते हो इस आंसर को. ये सेकंड आंसर जो है वो सही है, करेक्ट है. क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर गैसेस एटम जो हैं हाइड्रोजन के दो हैं और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका जा रहा है, इसका मतलब गैसियस जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर इसमें बच्चों कम हो रहे हैं. इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो घट रही है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट में गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, कम है. इसका मतलब एंट्रोपी जो है इस केस में क्या हो जाएगी, निगेटिव. डेल्टा एस विल बी निगेटिव, राइट. आ रही बात समझ में. चलिए ये बहुत इजी है. अगर आप थर्ड देखेंगे इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर अगर इवापोरेट होगा तो डेफिनेटली वाटर से लिक्विड से गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेगा और गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो फिर एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा. और एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. बहुत इजी सवाल है ये. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं. ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है और हैवर्स प्रोसेस दिया हुआ है अमोनिया के फॉर्मेशन का. N2+3H2=2NH3. इसमें रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं. इन रिलेशंस को अपन देखते हैं कि कौन सा रिलेशंस इसमें सही मैच होता है.
देखिए एन टू प्लस थ्री एस टू इज इक्वल टू टू एन एस थ्री, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स राइट। जैसे जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं वैसे वैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है इन इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप अगर इसको रिलेशंस बनाते हैं तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, डिसअपीयरेंस इसलिए माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्लस, चूंकि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया राइट। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिलेशन अब आप मेंशन कर सकते हैं, इनमें से कोई भी रिलेशन आप देखिए डी एन टू बाई डी टी डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्लस में 1/2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये जो है फर्स्ट और ये लास्ट इन दोनों को रिलेट करिए तो आपका ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे आते हैं। अब आया विच ऑफ द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है और एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी से ही सारे सवाल उठाए गए हैं। और आप अगर वो कह रहा है केवल पाई बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये केवल और केवल मॉलिकुलर ऑर्बिटल के द्वारा ही एक्सप्लेन होगा एमओटी के द्वारा। अगर मैं एमओटी की बात करूँ तो आपने एमओ में एनर्जी का जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी उसके ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग आपने जो है पढ़ा होगा, उसमें अगर आप देखते हो पहला ऑप्शन C2 तो C2 में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो 12 हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब C2 में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा हो गया 12। अब आप इनको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरते हो तो आपको इसका वन एस बॉन्डिंग, वन एस एंटी बॉन्डिंग, 2s एंड 2s एंटी बॉन्डिंग। आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन से कम का जो एनर्जी ये होता है इस ये चेंज होता है और 14 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा वाले का एमओ जो है वो अलग होता है। देखिए अब आप इसके 12 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरते हैं, देखिए 1s एंड 1s बॉन्डिंग, 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग 2s बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं जो सिग्मा फॉर्मेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल्स का नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं तो दे डू नॉट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। आप कह सकते हो जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों तो वो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, इसका मतलब दे डू नॉट टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2, 4, 6 और 8 ये सिग्मा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जब आप पाई वाले यहाँ पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं, बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दोनों ही दोनों सिग्मा हैं, सिग्मा नहीं है बल्कि पाई है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि C2 वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें कि केवल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं या केवल और केवल पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है अगर हम BE2 की बात करें, BE2 में अगर आप देखोगे तो BE2 मॉलिक्यूल में तो BE2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 होंगे। तो देखो यहाँ पर आप इसमें आ जाएंगे, ये वाले
और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फेल है, इसका मतलब ये बी टू का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप ओ टू की बात करोगे तो बेटा ओ टू में एक सिग्मा और एक पाई आएगा, एक सिग्मा, क्योंकि ओ टू के इलेक्ट्रॉन 16 है, एन टू के इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 14 वाले में अगले वाले में फिर ये 12 हो गए और दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो वो सिग्मा के हो गए। तो देखिए एक सिग्मा हो गए और दो यहाँ पर क्या आ गए, पाई। क्लियर। एन टू में वन सिग्मा एन टू पाई, ओ टू में अगर आप भरोगे तो वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल पहले आ जाता है, ये 14 से लेस के हैं और 14 से ज़्यादा वाले का चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो इन सब में सिग्मा आ रहा है, C2 वाले में सिग्मा का फॉर्मेशन नहीं है, केवल और केवल दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है, क्योंकि पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ही उसमें इन्वॉल्व है। चलिए अगला सवाल, ये पी ब्लॉक का सवाल है। देखिए पी ब्लॉक और बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, अगर आप देखोगे तो आपने शायद एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो उसमें सीधे सीधे स्ट्रिक्टली मेंशन है कि SnF4 एंड लेड फ्लोराइड, टिन फ्लोराइड एंड लेड फ्लोराइड बोथ आर आयनिक, एक्सेप्शनली बोथ आर आयनिक इन नेचर। क्लियर है। अगर आपको ये पता हो कि आयन में निगेटिव चार्ज एनआयन जितना छोटा होता है उतना आयनिक जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन या आयनिक नेचर जो है वो बढ़ता है, ये दोनों आयनिक होते हैं, पर यहाँ पर ये क्या मेंशन है, कोवेलेंट, तो ये वाला आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा। PbF4 इज आयनिक, लेड फ्लोराइड इज आयनिक, ध्यान रखेंगे। कई बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर लेड पर हाई चार्ज है, हाई चार्ज होने की वजह से इसको कोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीड जो है, फ्लोराइड जो है वो एक स्मॉलर साइज का एनायन है, और स्मॉलर साइज का जब एनायन होगा तो ये दोनों आयनिक नेचर को शो करेंगे। अब देखिए एक फिजिकल का यहाँ पर सवाल लिया है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है बच्चों ये, और बिल्कुल ईजी सवाल है। आइसोथर्मल कंडीशन है, ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इसलिए ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होता है, पूछा है वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन होगा माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल कितना दिया है 2 bar, वॉल्यूम फाइनल 0.25 लीटर माइनस 0.1 लीटर, तो जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो आएगा माइनस 2 इंटू 0.15, राइट, और 0.15 का मतलब हो गया माइनस 0.3, राइट, 30, ये हो गया लीटर बार, एंड 1 liter bar इज इक्वल टू 100 joule एज गिवन हेयर इन द क्वेश्चन। तो आप क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर आएगा माइनस 30 joule, तो वी हे द आंसर इज 3rd। क्लियर। चलिए ये एक ऑर्गेनिक का सवाल है, और ये भी बहुत इजी सवाल है। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, आपको पता है एसिड और बेस के लिए जो थ्योरीज है, आरिनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टन और लुइस एसिड बेस, उसमें आपको पता है आरिनियस ने कहा दोज कंपाउंड विच गिव एच प्लस आयन दैट आर नोन एज एसिड एंड विच गिव्स ओ एच माइनस आयन नोन एज बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग दोज विच गिव्स एच प्लस आर नोन एज एसिड एंड विच एक्सेप्ट एसिड एच प्लस, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है एच प्लस वो बेस है, उसी को हम कह रहे हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेट होने का मतलब एच प्लस का एडिशन होना, और एच प्लस का एडिशन किसी एसिड में, किसी बेस में डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है तो आसानी से एच प्लस के साथ जुड़कर ये प्रोटोनेट हो गया, दिस इज प्रोटोनेट, ये प्रोटोनेट। तो प्रोटोनेशन ऑफ बेस, तो बेस का प्रोटोनेशन, तो देखिए अगर आप देखोगे तो
तो यहाँ पर मिथाइल का प्लसाई लग रहा है, मिथाइल का प्लसाई लगने से लोन पेयर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो प्रोटोनेशन जो है इसका सबसे ईजी होगा, तेजी से हो जाएगा, जबकि वो कह रहा मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ ये फिनॉल के केस में ये जो लोन पेयर है वो रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और चूंकि जब रेजोनेंस में चला जाएगा तो डेफिनेटली इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ से कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो फिर एच प्लस का अटैक जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटोनेशन होना यहाँ डिफिकल्ट होगा। अगर नेक्स्ट पे देख लें तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई नहीं लग रहा, कोई भी माइनस आई नहीं लग रहा, ये एक तरह से माइनस आई माइनस एम का काम कर रहा है, तो ये डिलोकलाइजेशन होने से इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पर प्लस आई लग रहा है तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, तो सबसे डिफिकल्ट अगर मैं बात करूँ तो आंसर इज फिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, राइट। आपको पता है मेटल के हाइड्रोक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स दोनों आप कह सकते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। अब अगर कोई अब बात करें, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ऊपर से नीचे चलने पर मेटलिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मेटलिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ रहा है। तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसके पास सबसे कम बेसिक मेटलिक कैरेक्टर होगा, और जो नॉन मेटल की तरफ, नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरफ बिहेव कर सकता हो ऐसा एलिमेंट एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो वी कैन से हियर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट आंसर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड विच कैन शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। क्लियर है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, हालांकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है, इसमें 8 ऑक्सीजन है। देखिए पहली चीज, ट्राई ब्रोमो 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है, तो देखिए आपको पता है ये बी आर और बी आर ब्रोमीन, ब्रोमीन एक हेलोजन का एलिमेंट है। पहले आप एक चीज समझिए कि ये तीन ऑप्शंस में तीनों में निगेटिव चार्ज है, और अगर निगेटिव चार्ज होना चाहिए तो फिर यहाँ पर ये ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड आयन लिखा होना चाहिए, ये यहाँ पर आयन टर्म यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर दिया है आप देखोगे इस पर किसी पर कोई भी चार्ज नहीं है, और आपको पता है चूंकि ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है और ऑक्टेट रूल को वॉयलेट भी कर सकता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो बीच वाले में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 से ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी 8 से ज़्यादा और यहाँ पर भी 8 से ज़्यादा है। तो सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये दिया है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि इट इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट डू नॉट हैव एनी निगेटिव चार्ज, बिकॉज इफ इट हैव एनी चार्ज देन इट इज रिप्रेजेंटेड हेयर ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड आयन, लाइक मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, दोज आयन्स हैव चार्ज, चार्ज स्पीसीज आर नेम्ड एज आयन्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बहुत अच्छा और बहुत बार आया हुआ सवाल है नीट में, एनसीईआरटी के पॉलीमर में पीछे सीधे आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल एक हेडिंग है और उसमें साफ साफ मेंशन है, दोज पॉलीमर्स विच कैन बी डिग्रेडेड बायोलॉजिकली या विच कैन बी डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक्चुअली में जब आप पॉलीथीन्स और ऐसे यूजेस पॉलीमर्स में बढ़ते चले गए जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो फिर साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो नेचुरल हो या जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाएं, और उसके दो ऑप्शन हैं, एक आंसर आपके यहाँ गिवन है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। नायलॉन 2 इज़ वॉट,
So nylon T, 2 is glycine. It is nylon 2. And nylon 6 is what? Nylon 6 is aminocaproic acid, 6 carbon. Here 2 carbon, that's why it is known as nylon 2. इधर से निकल गया तो ये NH CH2 CO NH CH2 5 C double O. तो ये जो पॉलीमर है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6. एक और आंसर इसमें ऑप्शन होता है, दो ही है अपने जो एनसीईआरटी में गिवन है, हालांकि होते और भी हैं. एक है PHBB पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट कोवेलरेट. एक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल है, अगर आप देखोगे ये कई बार आपको इम्पोर्टेंस ले कह रहा हूँ कि कई बार ये आपको मिल जाएगा पढ़ाते हुए. मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चैप्टरों में बुकों में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई इलेक्ट्रोफाइल एमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सवाल ये है कि इनमें से कौन रिएक्शन का एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. तो पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो टर्म है इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, राइट. सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल. अगर आप पहला देखोगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन इस पाई बॉन्ड में ऐड हो रहा है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है और वो भी फ्री रेडिकल एडिशन है, राइट. अगर यहां देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि OH रिप्लेस हो रहा है Cl से, बट OH इज रिप्लेस बाय Cl, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा है OH को, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं. यहां देखोगे N2Cl+ में N2 रिप्लेस हो रहा है Cl- से, राइट, Cu2Cl2. गाटरमैन रिएक्शन आपने पढ़ी है, सैंडमैन रिएक्शन पढ़ी है, तो सैंडमैन रिएक्शन जो होती है CuXHX, वो ये रिएक्शन, इसमें Cl रिप्लेस हो रहा है इससे, तो ये आपका जो है वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि Cl- सब्स्टिट्यूट कर रहा है. ये आंसर है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, इस रिंग में, इस रिंग का ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो रहा है इस Cl+ से, क्योंकि AlCl3 जो है वो इस Cl को निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा Cl+ और ये है इलेक्ट्रोफाइल, राइट. एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस बाय दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल Cl+, तो ये H+ निकल रहा है, देखिए H+ रिप्लेस हो रहा है Cl+ से, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आंसर इज 4. वेरी इजी क्वेश्चन. ये देखिए मैच करना है आपको प्योर नाइट्रोजन. ये बहुत बार आया हुआ सवाल है नीट में कि प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसा होता है. तो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को आप हीट कर दीजिए, आपको ये पी ब्लॉक में मिल जाएगा. एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है रिएक्शन, सोडियम एजाइड को हीट करने पर प्योर नाइट्रोजन मिलता है. इसका मतलब ए का तो ये फोर्थ हो गया. हैबर प्रोसेस, इससे सरल क्या हो सकता है. अमोनिया का फॉर्मेशन है N2+3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मॉलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट एंड कैटलिटिक प्रोमोटर वी गेट अमोनिया, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अभी एक आयनिक इक्विलिब्रियम की उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में N2+3H2 एक सवाल सॉल्व भी किया अपन ने. कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत बार आया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड डेकन प्रोसेस क्लोरीन का फॉर्मेशन है. अब आप देख लीजिए ए का फोर एक ही ऑप्शन में है, दूसरे को टच करने की जरूरत ही नहीं है. इतना सरल पेपर है कि इन्होंने ऑप्शंस भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाए हैं. ये देखिए इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, मैं आपको बताऊँ. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन फोर आइन, अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो आप इसको बनाओगे तो वो कह रहा है पेन टू ईन. तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, अब
ऐसे उसके अकॉर्डिंगली दिया है, पर नंबरिंग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ से होगी। तो इसका पहली बात तो करेक्ट नेम जो है वो ये है, पेंट थ्री इन वन आइन। बट नो इशू, हम यहाँ पर चूंकि केवल काउंट क्या करना चाह रहे हैं, सिग्मा और पाई, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सिग्मा काउंट करने में है तो सिग्मा काउंट कर लीजिए। आप सिग्मा काउंट करने का एक टोटल तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन। देखिए जैसे यहाँ एटम्स गिनो, तीन हाइड्रोजन, एक चार कार्बन, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, इसका मतलब ग्यारह एटम्स माइनस वन कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, दस। तो 10 सिग्मा पॉन्ड्स यहाँ पर होंगे, एक पाई आपको दिख रहा है, एक सिग्मा के बाद बाकी जो दो बचे यहाँ पाई है और एक ये पाई है, तो तीन पाई। तो आंसर इज व्हाट, 10 सिग्मा एंड 3 पाई। ये एक सवाल है, एंजाइम दैट यूटिलाइज, हालांकि ये बायोलॉजी का सवाल है फिर भी अपन इसको आसानी से सोच सकते हैं। एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एज को फैक्टर। वो कह रहा है कि एंजाइम जो एटीपी को यूटिलाइज करता है, राइट, और फॉस्फेट ट्रांसफरेज रिक्वायर, एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफरेज, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन फॉस्फेट ट्रांसफरेज होता है, इन एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एज ए को फैक्टर। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम होता है एज ए को फैक्टर, जो कि इसमें हेल्प करता है वो मेटल, जो कि जो इस एटीपी के ट्रांसफर में, फॉस्फेट ट्रांसफर में हेल्प करता है, राइट। तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम है इसका आंसर। चलिए एक ये आपको देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, और इसमें ये दिया है कि क्वेश्चन 2Fe+3 इन एक्वस मीडियम प्लस 2I- एक्वस कन्वर्ट इन टू 2Fe+2 प्लस I2। तो देखिए यहाँ वो E0 दे रहा है, इनोट सेल दे रहा है 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आपको डेल्टा जी निकालनी है, तो आप और फेराडे कांस्टेंट दिया है, आपको ये सवाल बहुत आसानी से पता है, डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। ये एक इक्वेशन होती है गिव्स फ्री एनर्जी की, और जो ई सेल होता है उसके साथ रिलेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखो Fe में चेंज हो रहा है प्लस 3 से प्लस 1 एक का, पर एक Fe नहीं, यहाँ पर दो Fe हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ 2 इंटू फेराडे कांस्टेंट जो है वो है 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल जो है वो फेराडे कांस्टेंट का मान होता है, सबको पता है। ई नॉट सेल ई एम एफ ऑफ सेल जो है वो है 0.24, तो 0.24 इंटू 96500 इंटू 2 जब आप करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 46,320 जूल पर मोल, राइट। एक मोल में इतने जो है वो गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी का चेंज आएगा, गिब्स एनर्जी चेंज आएगा, पर चूंकि किलो जूल में वैल्यू दी है तो अपन 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -42.32 किलो जूल पर मोल। ये इलेक्ट्रो का बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आसानी से सभी बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करते, ये भी NCERT में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यह अनसॉल्व सवाल है, दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी, सबको पता है थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, राइट। मतलब अगर आप बात करोगे तो ऊपर नीचे चलने पर H2O, H2S, H2SE, H2T और H2PO, राइट। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलिनियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट्स हैं जिनके ये हाइड्राइड्स हैं। आपको पता है साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, राइट। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ऊपर नीचे चलने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा।
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इसका मतलब ऊपर नीचे चलने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी और थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, ये पहला आंसर हो गया। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इक्विलिब्रियम का सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। इसमें आप पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैवर्स प्रोसेस। तो आप सभी को हैवर्स प्रोसेस पता है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो आपको दिख रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म बाय 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म बाय हाउ मच मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यू कैन पुट हियर 30, द आंसर इज 30। ये बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, आपने पढ़ा होगा सीरीज लाइमन बामर पास्टर ब्रैकेट फुंड, और ये सीरीज जो होती है ये किन किन रीजन्स में फॉल करती है। तो लाइमन सीरीज आपको पता है अल्ट्रावायलेट रीजन्स में ये फॉल होती है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन्स जो हैं वो फॉल करती हैं विजुअल रीजन में। तो आपको पता है लाइमन सीरीज जो है उनकी लाइंस फॉल करती हैं किसमें, तो आपको पता है उनकी लाइंस लाइमन सीरीज की लाइंस जो है वो फॉल करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। जबकि बामर सीरीज जो होती है इनकी लाइंस जो है वो विजुअल रीजन में आती हैं, राइट। तो ये जो आप आंसर वहां पर बताओगे तो क्या बताओगे, बामर सीरीज। ये बेटा एक सॉलिड स्टेट का सवाल है, सॉलिड स्टेट का सवाल ये भी मॉडरेट कह सकते हैं आप, बहुत ना तो सरल है ना बहुत कठिन है, आप थोड़ा सा भी आईक्यू यूज करिए तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय कैटायन सी एंड एनायन ए, राइट। वो कह रहा है एक कंपाउंड है जो कैटायन सी और कैटायन ए एनायन ए से फॉर्म हो रहा है, राइट। एनायन फॉर्म हेक्साकोनल क्लोज पैक्ड लैटिस, ये SCP बना रहे हैं, और आपको पता है कि एनायन SCP बना रहे हैं, और SCP में जो जेड होता है लैटिस में वो होता है 6, इसका मतलब एनायंस कितने हैं 6। और आपको पता है, और वो कह रहा है कैटायन ऑक्यूपाई 75 ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड्स। आपको पता है इन SCP नंबर ऑफ वॉइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। तो एक 6 है, आपको पता है जेड 6 है SCP में, तो एनायन 6 हो गए, कैटायन भी कितने हो गए 6, पर वो कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 75%, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज 75% बाय 100, राइट। तो ये हो जाएगा, ये आपका आया 75% के टाइम का आ गया, तो ये हो गया 9/2, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ठीक है 3/4, तो ये हो गया सी। अब अगर अपन बनाना चाहें कैटायन और एनायन सी, राइट, तो कैटायन हो गया 9/2 और एनायन हो गया 6। अगर इसको सिंपल कर दें हम तो 3 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा C3A2 3/2, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, 3 से हम इसको डिवाइड कर दें, सॉरी, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 times और 3 times, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, तो ये हो गया आपका C2, इधर चला जाएगा 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया C3A4। सिंपल, इसको सिंपल हमने सिंपल स्टोइकोमेट्रिक उसमें कर दिया हमने, तो ये हो गया कैटायन यहाँ पर 3 है, एनायन हो गए 4।
आई बात समझ में, एससीपी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो पर क्रिस्टल लैटिस जो हैं उस एक यूनिट सेल में 6 आते हैं, और अगर आप एनायन की बात करोगे तो वो एनायन वो कह रहा है वही लैटिस में प्रेजेंट है, तो 6 हो गए एनायन। कैटायन जो है वो वॉइड्स, जो नंबर ऑफ वॉइड्स दोनों सेम होते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स के सेम होते हैं, तो ये भी 6 होगा, 75 बाई 100 कर दिया, क्योंकि 75% ऑक्यूपाई कर रहा है कैटायंस, तो ये आपका आ गया। इससे सिंपल करके अपन ने आंसर निकाल लिया। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, आपको पता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, समझ लीजिए। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज बाई अवर बॉडी, बट नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर सिंथेसाइज बाई अवर बॉडी, एंड अ सिंपल आंसर इज एलानाइन। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये आपका बायोमोलिक्यूल का सवाल है, सब लोगों ने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से जूलॉजी में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री वाले सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक ये देखिए ऑर्गेनिक का सवाल है और बिल्कुल सिंपल है, एन एल्कीन ए, जैसा वो कह रहा है वैसा लिखते चले अपन, रिएक्शन विद ओजोन, ओजोनोलाइसिस करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड H2O, हाइड्रोलिसिस हो रही, टू गिव प्रोपेनोन, तो वी गेट ए प्रोपेनोन प्लस इथेनल एंड वी गेट एथेनल, राइट। क्लियर? अब वो कह रहा है इन एक्यूमुलर रेशियो, दोनों एक एक में मिल रहे हैं, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए, अब ये एल्कीन कौन सी है, पहले तो हम ये प्राप्त कर लें, तो हम इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें तो हमें एल्कीन मिल जाएगी, ये अपनी एल्कीन हो गई, राइट। अब वो कह रहा है इस एल्कीन ए में वी एड हेयर HCl टू गिव मी एज ए मेजर प्रोडक्ट, सिंपल मार्कोनी ऑफ रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मेजर प्रोडक्ट में Cl इसी कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन नंबर सबसे कम है, तो CH और C में कम है, तो यहां Cl जुड़ जाएगा। आप इसकी मैकेनिज्म करा सकते हो, पहले आप H+ का अटैक करा लो, कार्बोकैटायन बना लो, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आफ्टर आप इसमें Cl- अटैक करा लो, तो भी आपको उससे भी समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट मेजर ये होगा, तो दिस इज B एंड द स्ट्रक्चर ऑफ B इज दिस। Which of the following species is not stable? देखिए NCERT से डायरेक्ट प्री ब्लॉक में आप देखेंगे, आपको डायरेक्ट मिलेगा, और वहाँ आपने देखा होगा कि ये तीनों कंपाउंड्स गिविन हैं, टिन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। केवल सिलिकॉन जो है वो छोटे आयंस के साथ तो हेक्सा ये जो है फ्लोराइड जुड़ते हैं, लेकिन क्लोरीन चूंकि बड़ा एटम है और सिलिकॉन एक छोटा एलिमेंट है, देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो सिलिकॉन का साइज छोटा होता है और ये क्लोरीन 6 होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन 6 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, बना सकता है, लेकिन चूंकि इनके साइज बड़े हैं तो ये आपस में नियर होने की वजह से यहाँ स्टेरिक हिंडेंस लगेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा आपका, इट इज़ अनस्टेबल स्पीसीज। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन के साथ ये फॉर्म करता, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होता है। ये स्टेटमेंट आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द PCl5, यू नो PCl5 इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, राइट। अगर आप PCl5 का बनाओगे तो आपको एक ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है DSP3, क्या है हाइब्रिडाइजेशन DSP3, और मैं आपको बता दूं SP3D या DSP3 इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, SP2 प्लस DP। देखिए आप बच्चों थोड़ा सा इसको समझिए, SP2 हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, और ये DP का मतलब SP है, SP जैसा होता है मतलब लीनियर इन शेप। देखिए आप लोगों ने SP सुना होगा लीनियर में, पर DP भी होते हैं, DS की तरह काम कर रहे हैं और DP ऑर्बिटल्स भी लीनियर, ये लीनियर हो गया। तो देखिए ये हो गए आपके एक्सियल बॉन्ड्स और ये हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट।
इक्वेटोरियल में ये जो एंगल है ये है 120, और अगर मैं बात करूँ एक्सियल में ये जो बॉन्ड है ये है एक्सियल के बीच 180। अब आप देख सकते हैं, पहला सवाल है ऑल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स। तो एक्सियल यस ये लॉन्गर होते हैं, क्यों लॉन्गर होते हैं आप इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एस करेक्टर नहीं होता, इन ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर नहीं होता, और एस करेक्टर नहीं होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से ये साइज में बड़े होते हैं। जबकि यहाँ इसमें sp2 ये तीन sp2 हैं और एक ये dp और dp ऑर्बिटल है, तो जो sp2 वाले हैं उनके जो s करेक्टर अधिक होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, तो वो बॉन्ड छोटा होता है, और बॉन्ड छोटा होता है इसलिए इक्वेटोरियल का बॉन्ड छोटा होगा और एक्सियल का बॉन्ड लॉन्गर होगा। ये स्टेटमेंट सही है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। pcl मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नहीं ऐसा नहीं है, ये रिएक्टिव है, इट इज़ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। Why it is reactive? Because it is longer bond length, so it is its bond strength is weak, so they easily react. ये Cl आसानी से remove हो जाते हैं, तो ये incorrect है। Three equatorial PCl bond make 120 angle, सही है। Two PCl make 180, ये भी सही है। इसका मतलब answer is second, PCl5 is non-reactive. It is incorrect statement. Next, the rate constant for a first order reaction is K. अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता है, टी रेट कांस्टेंट क्या होता है, टी बराबर 2 पॉइंट टाइम के लिए रेशियो 2.303 अपॉन के लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो सी नॉट अपॉन सी टी भी लिख सकते हैं। वो कह रहा है रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, ये के है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीशन, तो टाइम पूछ रहा है 2.303 आपका जो है अपॉन के लॉग, इनिशियल मान लीजिए 100 है, वो कह रहा है 99% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 100 माइनस 99% कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका क्या, तो 2.303 इंटू 2 अपॉन के, राइट, तो ये हो गया टी की वैल्यू, ये हो गया 4.606 अपॉन के, तो दिस इज टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। ये भी बेटा सिंपल सवाल था, केमिकल काइनेटिक्स पर दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक का, और आप लोगों को बहुत आसानी से आता होगा। ये एक एल्काइन से रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन हो रहा है, सिस ब्यूटीन बन रही है, और आपको पता है लिंडार कैटलिस्ट PDBSO4 या PDCACO3 या PDCACO3 या PDBSO4, ये जो है वो लिंडार कैटलिस्ट होता है, और ये सिस हाइड्रोजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर पैलेडियम और कार्बन दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन इट इज आंसर। सोडियम और लिक्विड अमोनियम ब्रिज कैटलिस्ट होता है, ये ट्रांस हाइड्रोजनेशन करता है, जिंक रिडक्शन करता है, और एजिक प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता है एल्काइन में, तो ये दोनों तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर फोर्थ होगा। सिंपल सवाल है, ऑर्गेनिक का है। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, वो कह रहा है मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस, आपको पता है मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट होता है MnO4-2, ये है मैग्नेट, और पर मैग्नेट क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता है पर मैग्नेट है MnO4-1, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल है, ये, और ये भी टेट्राहेड्रल है, राइट। अगर मैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, D3S होता है, आपने नहीं पढ़ा होगा, sp3 नहीं होता है, D3S होता है, राइट, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल्स T2G के और EG, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो और S, T2G वाले D और S बाहर वाला, वो इन्वॉल्व होकर टेट्राहेड्रल बनाता है, क्योंकि मैंगनीज आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हो रहा है,
ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। तो ये यहाँ पर आप देखिए सब ऑप्शन क्या है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, गलत है। पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, डी तो ऑक्सीजन में होता ही नहीं। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, वेरी करेक्ट आंसर। इसमें जो पाई का फॉर्मेशन होता है वो पी पाई डी पाई होता है, राइट। और पी पाई डी पाई जो है उसमें पी ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीज ऑफ के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, पर मैग्नेट आयंस जो है वो पर्पल कलर का होता है, मैग्नेट जो है वो येलो कलर का होता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है और बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन आपको पता होगी, उस इक्वेशन पर पेश सवाल है और ये कह रहे हैं कि फॉर ए सेल गिविन वन इलेक्ट्रॉन, ई सेल इज 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है अपने को सेल रिएक्शन के लिए जो, और ये आपको इसकी वैल्यू दी है 2.303 आरटी अपॉन एफ की 0.059 वोल्ट। तो अपने को पता है ई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट एफ सॉल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग क्यू, रिएक्शन क्वाड्रेंट होता है। अगर हम एक एट इक्विलिब्रियम बात करें then E is 0, E tends to 0, EMF of cell is 0, E naught of cell is equal to 2.303 RT upon NF log K, right? K की value calculate करनी है, E naught cell दिया हुआ है 0.59 volt is equal to 2.303, N 1 है, 1 electron के लिए N का मान 1 है, तो 2.303 आर अपॉन आर टी अपॉन एफ दिया है 0.059 वोल्ट इंटू लॉग के, सिंपल है। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 10 का लॉग के एंटी लॉग निकालेंगे तो के आ जाएगा 10 की पावर 10, जो वैल्यू होती है वो 10 इज टू द पावर, वो वैल्यू आ जाती है और वो 10 है इज टू द 10 है। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। पीएस दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये आयनाइज होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन प्लस 2OH माइनस, राइट। अब पीएच अगर आपको गिवन है तो बेटा पीओएच आप निकाल लो क्योंकि ये बेसिक है, पीओएच निकालोगे तो पीओएच आएगा 14 माइनस एन दैट इज 5 बिकॉज पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 बिकॉज पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये आपको पता है। अब आपने पीओएच निकाल लिया तो ओएच भी आपको निकल आएगा, ओएच जो है वो है आपका 10 टू द पावर माइनस 5, राइट, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग ओएच होता है पीओएच, तो आपको ओएच माइनस 10 टू पावर माइनस 5 आ गया। अब आपको ये जो आया है OH आयन कंसंट्रेशन, ये इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको दिख रहा है 2, अगर अपन इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें तो ये S और ये हो गया 2S, तो 2OH माइनस जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 5, तो जो OH माइनस है वो है 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2, राइट। यहाँ से आपको POH इसका दिया हुआ है तो इससे आपने OH आयन कंसंट्रेशन निकाल लिए, ये एक्चुअली में 2OH माइनस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 है, तो OH आ गया। अब OH आ गया तो आपको S की वैल्यू आ गई और S की वैल्यू आ गई तो KSP क्या होगा, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S की पावर 2 क्योंकि ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4S क्यूब, राइट। ये क्या हो जाएगा 4S क्यूब, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी है, कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, 10 रूज टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2 की पावर क्यूब, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 बाई 2 की पावर क्यूब, राइट। अब आप इससे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखिए ये आ गया
4 by 8 into 10 to the power minus 15, right? अगर आप इसे निकालोगे तो ये थोड़ा सा आप गड़बड़ कर सकते हो, ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, देखिए ये आई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, आंसर आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आपको पता है आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग की जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, डेल्टा वी जो है वो जीरो होता है और चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और एंट्रोपी चेंज एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है, और इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा मिक्सिंग जो है वो एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो होगा। अच्छा, ये सवाल आपका जो है वो गैस स्टेट्स ऑफ मैटर का है, गैसेस स्टेट का है, इसमें आपको दिया है ए गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन एन आइडियल गैस। इसका मतलब है कि रियल जो गैस है उसका वॉल्यूम स्मॉलर है किससे, आइडियल गैस से, देन दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर सेम कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। आपको पता है जेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, क्लियर, और आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम जो रियल का है वो 20% स्मॉलर है किससे, आइडियल से। अगर आइडियल का वी है तो ये वी माइनस 0.02 होगा, क्लियर, तो इसका मतलब है जेड की वैल्यू जो है वो लेसर होगी किससे, एक से, क्योंकि ये वॉल्यू कम है आइडियल से, ये कम है, अगर आइडियल से ये कम है तो वी जेड इज लेस देन 1, और आपको पता है अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग होता है, तो जेड इज लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेंट। ये एक बेसिक स्ट्रेंथ जीओसी का सवाल है, आप या एमीन्स का मान सकते हैं इसको, दोनों में एक इवन है, आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन होगा, अगर आपने देखी एनसीईआरटी तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 12th वाले चैप्टर में उसमें मिल जाएगा आपको। बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में, इस वैसे आपको गैसेस स्टेट में पता है कि जो टर्सरी एमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, उसके बाद 2 डिग्री एमीन होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट। इसका मतलब अगर गैसेस मीडियम की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा, लेकिन चूँकि अगर मैं बात करूँ एक्वस मीडियम में तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एक्वस मीडियम में ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है 2, 1, 3, ये एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ होती है एमीन्स की जब आर की वैल्यू मिथाइल होगी, राइट, ये एनसीईआरटी में सीधे सीधे मेंशन है, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है, तो आंसर होगा 2, 1, 3 थर्ड आंसर होगा। नए क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपको याद हो तो आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की होगी, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो जब आप किसी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और अगर स्टेबल कॉन्फिगरेशन से या इनर सेल से आप निकाल रहे हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको बता दें कि जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तो साइज जो है पी ब्लॉक का, ये जो आपका सेकंड पीरियड है उसके हैं लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सीरीज है। आपको बता दें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ ग्रुप की, राइट, लेफ्ट राइट चलते हो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शनली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जैसे बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम जो है वो 1s2 2s2 और जबकि बोरॉन जो है वो 1s2 2s2 2p1, इसका मतलब बोरॉन में p सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जबकि बेरिलियम s से निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली बेरिलियम का ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन बोरॉन से, तो अपन लिख सकते हैं लिथियम फिर उसके बाद बेरिलियम की जगह बोरॉन आ जाएगा, बेरिलियम का आईपी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि इनर सेल से निकाल लें और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लें, फिर कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में आपको बता दें तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 7 है और आउटर सेल में अगर हम बात करें तो ये है 2p
2s2 2p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड सबसेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डेफिनेटली इसकी आईपी का मान ज़्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो पहले आ जाता है नाइट्रोजन से, एंड एट लास्ट फ्लोरीन का आईपी सबसे ज़्यादा होगा, और ये आपका आंसर आ गया। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप पुट करोगे तो ये होगा लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। नहीं, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, लिथियम फिर बोरॉन फिर बेरिलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। This is the right answer, and right answer is fourth. यहाँ पर एक ये आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, और ये सरफेस केमिस्ट्री से सवाल लिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो ये पूछ रहा है विच मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज कोलाइड। इसमें जो आई माइनस है बेटा, ये आई माइनस एडजॉर्ब हो रहा है सिल्वर आयोडाइड पे, और आई माइनस का एडजॉर्प्शन तब होगा जब ए जी आई का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखें 50 ml 2 molar ए जी एन ओ थ्री, या ए जी आई या के आई, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है, और यह है 50 ml 1.5 molar के आई। इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो है कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 50 ml 0.1 molar, और यह है 50 ml 0.1 molar, ये बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखें 50 ml 1 मोलर AgNO3 और 50 ml 1.5 molar, ये ज़्यादा है, ये आंसर हो सकता है। 50 ml 1 मोलर AgNO3 और 50 ml 2 molar KI, ये भी ज़्यादा है, इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है। पर आयोडाइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोगुलेशन हो जाता है। और एडजॉर्प्शन की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर ये आंसर होगा स्लाइटली मोर होना चाहिए, इसलिए ये आंसर अपन इस पर जाएंगे। अच्छा, ये एक आपका आप इसको केमिकल बॉन्डिंग का मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन या शेप के बारे में बात की गई है। जीनॉन, जीनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप Xe4 की बात करोगे तो Xe4 में ये 4 फ्लोराइड हो गए और 2 लोन पेयर बचेंगे, तो जो इसकी ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन तो D2SP3 होगा, लेकिन जो शेप है इसका ज्योमेट्री जो होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर, ऐसी होगी स्क्वायर प्लेनर, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो ए का सेकंड यहाँ भी और ए का सेकंड यहाँ भी, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ में ऑप्शन हो सकता है। XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 फ्लोरीन के बाद 1 लोन पेयर बचेगा, देखिए 6 फ्लोरीन के बाद 1 लोन पेयर बचेगा, तो ज्योमेट्री पूरी ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो बी का थर्ड ये भी है, बी का थर्ड ये भी है। अब जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्योंकि 4 फ्लोरीन है और 1 यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर, राइट, और ये ऑक्सीजन, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और अगर स्क्वायर पिरामिडल हो गया तो ये हो गया ये आंसर फोर्थ, राइट। Among the following one that is not a greenhouse gas, आपको पता है greenhouse gas क्या होती है, ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे एटमोसफियर के, जिसको कि डैमेज करती है, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इन गैसेस की वजह से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, और ये मीथेन इसका एग्जाम्पल, मीथेन गैस है ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका जो है ग्रीन हाउस गैस, आप इसको, इसके अलावा आप जो बात करें तो ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन, और मेजर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, इसको कुछ लोग इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस मानते हैं, पर चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सॉरी मीथेन CH4 और ओजोन, ये चारों कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है डायरेक्टली। एक ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन सेम एलिमेंट में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे कॉपर यहाँ +1 से +2 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये Mn जो है, देखिए ये हो गई +6 स्टेट, -2 है +6 हो गई, ये है +7 में और ये है +4 में, तो देखिए +6 से +7 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है,
तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ K2MnO4 प्लस MnO2, तो MnO4 में Mn जो है वो है प्लस 7 में, राइट, और यहाँ किस में है, ये है प्लस 6 में और ये है प्लस 4 में, राइट। आप इसको देखो K2MnO4 में प्लस 7 में है, राइट, और ये प्लस 7 से प्लस 6 और प्लस 4 दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इसका एग्जांपल नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन होता है। ये दोनों एग्जांपल हो गए, ए बी हो गया और ए बी हो गया, ए और बी हो गए। इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ जो Mn है ये यहाँ पर क्या है, प्लस 6 में है, प्लस 7 में, सॉरी, ये किसमें, प्लस 7 में, और यहाँ किसमें, प्लस 2 में, यहाँ जा किसमें रहा है, प्लस 4 में। तो देखिए यहाँ अगर इसको लोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इसके साथ रिड्यूस हो रहा है। तो आंसर जो होगा वो होगा ए और बी, करेक्ट आंसर है ए और बी। क्लियर है? डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो यहाँ इस एलिमेंट का अगर हम एक ही को ले रहे हैं तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल होता। ये फिनॉल चैप्टर से लिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, ये पहले लास्ट ईयर भी नीट में आया हुआ सवाल है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये क्यूमीन है, क्यूमीन की अगर ऑक्सीजन के साथ जब आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको ट्रीट करते हो तो ये ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाती है और ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, राइट। ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं लेंगे वरना ये पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म में बता सकता हूँ। अपने को आंसर ये पूछा गया है, ए क्या होगा, तो दिस इज ए, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। This is cumene hydroperoxide. Mixture that maximum boiling azeotrope. देखिए maximum boiling azeotrope का सीधा सीधा NCERT का उठाया हुआ सवाल है, water और nitric acid का boiling point सबसे ज़्यादा हो जाता है अपने normal boiling point से, ये दोनों का boiling point मिलाने पर बढ़ जाता है और negative deviation शो करता है, तो ये maximum boiling azeotrope का example है। डायरेक्ट आपको देखना है K4FeCN6। देखिए K4FeCN6 में अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग देखें अकॉर्डिंग टू CFT तो ये FeCN6 का -2 है, X-6=-2, तो X उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +6 हो गया, तो ये आपकी यहाँ पर K4 है तो ये आया -4, तो ये -4 है तो ये आ जाएगा +2, तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर Fe+2 में है तो इसको अपन भरेंगे तो 3D6 4S0 हो गया, तो अपने को 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। और CFT के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको पता है CFT में ऑक्टाहेड्रल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके EZ हो गए और ये आपके T2Z हो गए, T2Z ऑर्बिटल्स हो गए और ये कौन से हो गए, EZ। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये गैप जो है वो बड़ा होगा पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ पर डेल ओ इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सो इसमें पेयरिंग होना पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये पेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा T2G का 6 और EG का 0। ब्रॉन्स्टेन, बहुत सिंपल सवाल, कॉन्जुगेट, ये भी आने के लिए से लिया गया है, कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है, और आपको पता है कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो जब आप H+ को रिमूव कर दें तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो H+ ऐड कर दें, H+ अगर रिमूव करते हो तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हो तो H+ ऐड हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH-, एक HF का भी देख लो, HF से अगर आप H+ को रिमूव करते हो तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या, F-, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट। बेसिक बफर, सबको पता है बेसिक बफर क्या होते हैं, बहुत सरल सवाल है, वीक बेस और उसका सॉल्ट इज एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। वीक बेस इसमें से आप देखेंगे तो HCl, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस नहीं है, NaOH ये भी वीक बेस नहीं है, ये भी वीक बेस नहीं है,
आंसर इज फर्स्ट वी बेस और इसका सॉल्ट. अगर आप NH4OH को HCl के साथ डालोगे तो इसका सॉल्ट तैयार हो जाएगा और सॉल्ट होगा क्या NH4Cl. तो इट इज एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर. एनर्जी 4d5p5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी. आपको पता है एनर्जी ऑर्बिटल्स की कैसे निकालते हैं. n प्लस एल रूल लगता है राइट. हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जी ऑफ सेल या ऑर्बिटल राइट. अब इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम is same then higher the value of n higher will be energy right. अब आप इस रूल से आराम से निकाल सकोगे. जैसे मैं बात करूं यहां चारों ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं. देखिए सबसे पहले 4d 4 में n की वैल्यू हो गई 4 और L की वैल्यू हो गई 2. 0, 1, 2, 3 होता है तो ये N प्लस L हो गया. इसका क्या 6. 5P में आपको पता है N हो गया 5, L हो गया 1. तो ये हो गया N प्लस L कितना हो गया, ये भी हो गया 6. दोनों 6 सेम है लेकिन N की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर. तो 5P की एनर्जी 4D से ज़्यादा है. द एनर्जी ऑफ 5P इज ग्रेटर देन 4D राइट. अब आ जाइए थर्ड पे 5F. 5F में आपको पता है n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 3. तो ये हो गया 5 प्लस 3 और 5 प्लस 3 का मतलब हो गया n प्लस l के अकॉर्डिंग ये हो गया 5 प्लस 3 8 राइट. और नेक्स्ट है 6P में आपको देखिए n हो गया 6 और p हो गया 1. तो ये हो गया n प्लस l मतलब हो गया 7 राइट. तो 4D 5P और 5F 6P. अब इसके अकॉर्डिंग अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई 5F की. तो हमने लिख लिया 5F डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 5F के बाद किसकी हो गई 6P की. 5F 6P फिर उसके बाद किसकी हो गई 5P की फिर 4D की. तो ये आंसर हो गया आपका. एमंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये बेटा आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लिया हुआ. एंटीबायोटिक्स आर दोज कंपाउंड्स विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और अगर नैरो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो विच किल्स आइदर वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से किसी एक को किल करते हैं. और पेनिसिलिन जी जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है. सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है. अगर आप देखोगे दिख जाएगा. और ये वहाँ पर मेंशन है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करते हैं. ये सवाल देखिए गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन अगर आपको याद हो तो उसका इनिशियल पोर्शन है थैलीमाइड से स्टार्ट होती है रिएक्शन. ये OH, ये OH और यहाँ अपन ने इसको NH3 ट्रीट किया है तो ये दोनों H2O निकल जाएंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे. और जब अपन स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बात करेंगे तो ये बन जाएगा थैलीमाइड. दिस इज थैलीमाइड राइट. तो आंसर इज दिस फोर्थ. द यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. बेटा आपको पता है टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाईकार्बोनेट्स होते हैं. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट्स. इनके बाईकार्बोनेट्स की टेम्परेरी हार्डनेस होती है राइट. परमानेंट हाइड्रस जो हार्डनेस होती है वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की होती है. टेम्परेरी जो है वो बाइकार्बोनेट्स की होती है. इसमें एक तो आप बॉयलिंग से इनको जो है रिमूव कर सकते हो और दूसरा क्लार्क मेथड का यूज करते हो. क्लार्क्स मेथड में क्या करते हो आप इन बाइकार्बोनेट्स में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में लाइम वाटर पास करा देते हो जिससे ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं. और इनसॉल्युबल होने की वजह से इनको फिल्टर आउट आसानी से कर सकते हो. अगर आप मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ले रहे हो तो आपको यहाँ पर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाम वाटर पास कराने पर एक तो कैल्शियम के कार्बोनेट मिलेंगे जो कि इनसॉल्युबल है और साथ में हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होने की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा.
और इन दोनों को अपन फिल्टर्ड आउट करके अलग कर लेंगे. तो मेथड इज क्लार्क मेथड. मैलेकाइट बहुत इंपॉर्टेंट और मेटलर्जी से ये सिंगल सवाल आया है. आपको बता दें Fe3O4 इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटाइट. ये मैग्नेटाइट है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो है मैलेकाइट का एग्जांपल है. और डायरेक्ट लर्न करने होते हैं और वाले चैप्टर्स में गिवन है. कॉपर पाइराइट जिस UFeS2 है और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और आपका सलूशन आप इसको अपने से टैली कर सकते हैं. आपके अगर सारे सवाल अच्छे हुए हैं तो आपको खुश हो जाना है, और अगर थोड़े बहुत गलत भी हैं तो निराश मत होइए. अभी रिजल्ट आपके सामने नहीं आया है, लेकिन आप अपने पर बिलीव करिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा. थैंक यू सो मच.